भिमौरी तहसील के गेहूं उपार्जन केंद्रों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं ट्रक। खरीदी केंद्रों पर मौजूद समितियों के मैनेजर ने बताया कि झागड़ खरीदी केंद्र पर 8000 बोरी गेहूं, वहीं परवा खरीदी केंद्र पर 14000 बोरी गेहूं पिछले एक सप्ताह से पड़ा हुआ है। परवा समिति पर मौजूद मैनेजर मुकेश कुमार ने बताया कि रोजाना 4 ट्रकों की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक भी नहीं आ पाता। अभी लगभग 12 से 15 गाड़ी माल यहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन विभाग उठा नहीं पा रहा। शुक्रवार को किसी किसान ने अपने खेत की नरवाई में आग लगा दी, जो हवा के साथ साथ बढ़ते खरीदी केंद्र तक पहुंच गई। वह मुश्किल लोगों की तत्परता से खरीदी केंद्र पर रखा हुआ गेहूं जलने से बचाया जा सका। वहीं समय रहते फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। जितेंद्र मिल गया तो कते में ना मिल गया नहीं बाप जी देखो ना अपने बजट कितनी चलता है। सात आठ रोज एक सप्ताह में केवल 4 गाड़ी आई हैं और हमें रोज की कम से कम 4 गाड़ी तो चाहिए पर डे। तो कितना माल खरीद लिया अभी तक आपने? अभी तक हमने कम से कम नहीं तो पिछले सात दिनों में 6-7 हजार कट्टे हैं हमारे पास अभी। अभी प्रेजेंट में पड़े हैं? हाँ, ये 7,500 पड़े हैं। तो वहाँ से क्या जवाब आता है जब गाड़ी के लिए? हम वहाँ से गाड़ी की मांग करते हैं, मैडम से भी करते हैं, साहब से भी कहते हैं, लेकिन कहीं भेज रहे हैं अभी तक नहीं भेजते हैं। अब भेजेंगे कब? यहाँ से चोरी भी हो रही है, हमारे कट्टे भी जा रहे हैं, होल्डर बल्ब डोरी भी चोरी हो गए हैं, चौकीदार भी हैं यहाँ पे, और अब दोपहर में जो कांटे मांटे भी आज शनिवार की वजह से बंद है, गाड़ियाँ का इंतजार कर रहे हैं, माल हमारे बैठे हुए हैं और वो इधर उधर जा रहे हैं, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी अभी तक नहीं भेजी, फिर माल कब उठेगा जी? एक हफ्ते में सिर्फ 4 ही गाड़ी भेज पाए अभी तक, बस 4 ही आई हैं कुल। अभी जो कितना माल पड़ा है? अभी जो पड़ा है 7,500 बोरे हैं।